नमस्ते, आज हम बनाएंगे साबूदाना। 5 मिनट में तैयार होगा। मैं बिल्कुल बंद नहीं करूंगी वीडियो, बराबर चालू रखूंगी। ए थोड़ी हल्दी, इसे चम्मच से 5 चम्मच शक्कर और एक साबूदाना 125 ग्राम मैंने इसे 3-4 घंटा पहले भिगोया था। अब ये फूल के बड़ा बड़ा हो गया है तो ये पकने में ज्यादा समय नहीं लेगा। अब हम चलते हैं गैस की ओर। मैंने 1/2 लीटर दूध रख दिया है, ये उबल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूँ। आपको ना पसंद हो तो ना डालें। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। एक बार ऐसे बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है और 5 मिनट में तैयार हो जाता है। आप वैसे सुखा के, मतलब थोड़ा पानी करके रख सकते हैं तो सूखने के बाद भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैंने इस तरह बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे बेटे का उपवास है तो मुझे लगा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। झटपट तैयार होती है 5 मिनटों में। मैंने इसे 3 पानी से साफ किया था बराबर, उसके बाद मैं भिगाने के लिए रखी थी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो 2 घंटे तो भेना पड़ेगा उसके बाद, और अगर आप उस तरीके से बना सकते हैं धो के रख दो तो 15 मिनट में फूल जाएगा। अभी उबलना तैयार शुरू हो रहा है, अब सिर्फ हमें 2 मिनट चलाना है, उसके बाद ये पहले देखो ये फूला फूला है तो हमें इसमें उबाल लाना है बराबर 2 उबाल 3 उबाल 10। अब इसमें उबाल आ रहा है। हल्दी डालने पे कितना सुंदर दिख रहा है। फिर से मैं बता रही हूँ, 1/2 लीटर दूध, 125 ग्राम साबूदाना, 100 ग्राम चीनी तो होगी, 100 सवा 100। आप जितना मीठा खाते हैं उस प्रकार हिसाब से डालिए और एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए झटपट तैयार होने वाला साबूदाना। आप इस तरीके से बनाएंगे तो भूनने की जरूरत नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भून के डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भूनेगा नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है। एक बार बनाए थे तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मीठा आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। हमारा साबूदाना बनके तैयार हो गया है। हम
हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए. धन्यवाद.